1612 में आज के दिन सूरत की लड़ाई में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था। 1833 में आज के दिन ब्रिटिश दास उन्मूलन अधिनियम ने कानून का रूप लिया। आज के दिन 1842 में ग्रेट ब्रिटेन और चीन ने नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर किए। 1905 में आज के दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। ध्यानचंद को वर्ष 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है। 1914 में आज के दिन न्यूजीलैंड के सैनिकों ने जर्मन समोआ पर कब्जा किया। 1916 में आज के दिन फिलीपींस को स्वतंत्रता मिली। 1932 में आज के दिन नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी समिति का गठन हुआ था। 1945 में आज के दिन ब्रिटेन ने हांगकांग को जापान से मुक्त कराया। 1974 में आज के दिन चौधरी चरण सिंह की अध्यक्षता में लोकदल पार्टी की स्थापना हुई। 1976 में आज के दिन बंगाल के कवि एवं महान क्रांतिकारी काजी नजरुल इस्लाम का निधन हुआ था। वे बांग्ला भाषा के अन्यतम साहित्यकार, देश प्रेमी तथा बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों ही जगह उनकी कविता और गान को समान आदर प्राप्त है। उनकी कविता में विद्रोह के स्वर होने के कारण उनको विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है।